और अब खबरें प्रदेश के अन्य शहरों से। उज्जैन में चामुंडा माता मंदिर चौराहे पर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम कर दिया। प्रदर्शन के दौरान एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने बीच चौराहे पर अपने वाहन खड़े किए और अन्य दूसरे वाहनों को आने जाने से रोक दिया। उनकी मांग थी कि दोपहर में माधव साइंस कॉलेज में हुई मारपीट पर प्राणघातक हमले का केस दर्ज किया जाए, आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार करें। यहां कार्यकर्ताओं ने 35 मिनट तक हंगामा किया। इस दौरान सूचना मिलते ही एसपी नीरज पांडे और एनएस रावत मौके पर पहुंचे। एएसपी पांडे के आश्वासन के बाद कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम समाप्त किया। साइंस महाविद्यालय में काले लेवल काउंसलिंग चल रही थी, जिसमें एनएसयूआई के कुछ कार्यकर्ता वहां पर आए और उन्होंने टीचरों से अपने अवैध एडमिशन कराने के लिए गुंडागर्दी की बात की और टीचरों से धक्का मुक्की करी। इस पे हमारे विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं ने रोका तो तब तो वो वहां से चले गए और उसके थोड़ी देर बाद करीब 100 के लगभग वहां एनएसयूआई के कार्यकर्ता आए, हाथ में डंडा चाकू तलवार लेकर, और एक हमारे कार्यकर्ता के सर पे पिस्टल उन्होंने टेकी और उसके बाद उन कार्यकर्ताओं को वहीं उन्होंने बहुत बुरी तरह मारा और टीचरों को भी मारा। और उसके बाद जब हम पुलिस प्रशासन के पास गए और हम इनसे बात की तो इनने जो उनके ऊपर ना 307 लगाई, उनके छोटी मोटी धारा लगाकर उनको छोड़ने की बात कर दी। तो इसलिए विद्यार्थी परिषद ने अपनी ताकत दिखाते हुए यहाँ पे इस सड़क पे चक्का जाम करा और इसका फलस्वरूप ये हुआ कि आज हमारी मांग मानी और अभी पुलिस प्रशासन हमारी तीनों मांग मानने के लिए तैयार है। हालांकि इस दौरान उत्तेजित छात्रों ने कहा कि यदि पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की तो वे दोबारा आंदोलन करेंगे।